अभी कुछ दिन पूर्व इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर इसलिए मुझे तेल नहीं दिया गया क्योंकि मैं उनसे बॉटल में तेल मांग रहा था, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं नेशनल हाईवे नंबर 927 पर एक दुकान के सामने बोतल में भरा हुआ पेट्रोल रखा है। अब मैं आपको इससे आगे ले चलता हूँ। आप देख रहे हैं यह नेशनल हाईवे पर आदमपुर एक गांव है जिसमें एक दुकान के सामने फिर एक टैम्बलर में पेट्रोल भरा रखा है जो नेशनल हाईवे पर आने जाने वाली गाड़ियों में यदि तेल कम हो जाता है तो यह जो निर्धारित मूल्य है उससे भी ज़्यादा दाम पर बेचते हैं और लोग खरीदते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 927 जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस समय मैं घाघरा घाट पुल पर नेशनल हाईवे पर खड़ा हूं और कोतवाली बाराबंकी का बोर्ड लगा है और उसी ड्रम के ऊपर बोतल में पेट्रोल बेचते हुए दुकानें लगी हैं, जिसको आप ध्यान से देख सकते हैं। यहां एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वह यही है कि एक तरफ इंडियन ऑयल द्वारा यह कहकर तेल नहीं प्रदान किया गया कि बोतल में तेल नहीं दिया जाएगा, जबकि इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि कितना तेल देने पर बोतल में किसी भी विध्वंसक अराजक कार्य में उसका उपयोग हो सकता है। इसके अतिरिक्त आधार कार्ड के माध्यम से भी रास्ते में पेट्रोल पंप ख़त्म होने पर या गाड़ी ख़राब हो जाने पर इंडियन ऑयल द्वारा पेट्रोल दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। एक पेट्रोल पंप खोलने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, टेंडर पास होता है और लाइसेंस होल्डर ही पेट्रोल पंप खोल सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको दिखाया नेशनल हाईवे पर किस तरीके से लोग धड़ल्ले से खुलेआम पेट्रोल बोतल में बेच रहे हैं, या ठीक है कि यह जीविकोपार्जन का प्रश्न है और इस तरह से वह ऐसा करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, लेकिन नियम और कानून के धरातल पर यह काम कैसे अवैध तरीके से चल रहा है, कैसे लोग बिना लाइसेंस के राहगीरों को तेल बेच पा रहे हैं जो तेल पेट्रोल पंप के अलावा कहीं नहीं मिल सकता, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।
मैं आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन के लिए नेशनल हाईवे नंबर 927।